ओके सो आज बहुत लंबे समय के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं कॉस्को. हस्बैंड को अकेले जाना अलाउड नहीं है. क्यों जाना? न्याणिया तो जिदा न्याणे कैंडी स्टोर च होंगे उदा तो ही कॉस्को च होंगे. बहु कई प्लांट्स आए. मैं रोटी में चोची कहना नहीं तू ही कहने टोटी खानी टोटी. गाइस तो डायलॉग बोलते हैं. मैं रोटी को चोची बोलता हूँ. बोलते होंगे तो बताना. चलो ला लेने. सो फार मैंने ली है कॉफ़ी एंड ये वाला स्नैक मेरे लिए. वैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ा स्नैक वाला पर्सन नहीं हूँ पर आज मैंने सोचा कि कुछ स्नैकिंग की जाएगी. और ये ब्रांड ना हमने अर्लियर ट्राई किया ये अच्छा था. ऐसे लोग जाइए भला किसी आयल से जाके आज रश ही बहुत आ गाइस. रश में वीडियो बनाना वेरी मुश्किल. कॉफ़ी टिम हॉर्टन्स की ये ब्रांड मुझे अच्छा लगता है. इसका फ्लेवर भी अच्छा है क्योंकि इतने साल हो गए इसको पीते पीते तो आदत पड़ गई है. एंड लास्ट टाइम मैंने ना सेल के चक्कर में ले ली थी केड़ा ब्रांड आई डोंट नो. उसकी फ़ोटो शेयर करने की कोशिश करूँगी. बड़ी मुश्किल ने मंगाया उसको. वो फ्लेवर ही नहीं मैंने चंगा लगा. की नाम से होता फॉल्जर फॉल्जर या वो बहुत मुश्किल के साथ फिनिश हुई है. सो अब हस्बैंड चले गए हैं फार्मेसी चेक करने के लिए. उन्हें अपनी प्रिस्क्रिप्शन पिक करनी है. वो कह रहे हैं अगर क्राउड नहीं होगी तो मैं पिक कर लूँगा. सो ताते ही ये ब्यूटी एंड दवाइयाँ वाले आयल में मैं चक्कर मार लेती हूँ. यार लास्ट टाइम ना मैंने विटामिन सी वाली ड्रिंक ली थी. वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मैं लाइक पानी की कमी आ रही है हाइड्रेशन की कमी आ रही है तो फिर मैं वो पी लेती थी. अच्छा था वो. सो वो ले सकते हैं. मैं फालतू ले चीज़ें लेने की ज़रूरत तो है नहीं बट वो टाइम पास करने के लिए मुझे अच्छा लगता है. ये ब्यूटी में ना कई बार कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाता है देखने के लिए. सो कॉस्को में बताने के लिए एक्साइटिंग क्या है? कुछ नहीं. ओ एक्चुअली इनकी ना वो होगी है. हे पति हाय कितना टाइम लगना हो जाए ना. सो कॉस्को में ना आजकल वो मिल रहे हैं प्लांट्स. सो गार्डनिंग का शौक थोड़ा सा हस्बैंड को भी आ गया आउटडोर का तो वो देख सकते हैं हम कोई फुल फुल वाले प्लांट्स. दो तीन फल के प्लांट्स हमने लगाए भी हैं. पाँच सात और लगा लेंगे. सन न्यूज़ तो पति का फेवरेट काम है कॉस्को में सैंपल खाना. सो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये ब्लैक बीन वाला बर्गर. इस चौल ओहो ये चिपोटले आ जो राजमा चौल पा के देन दी बुगी जी. ओके चिपोटले मैंने लगा इसलिए लिखा है क्योंकि वो राइस एंड बीन्स होता ना तो वही वाले इंग्रेडिएंट्स हैं प्लांट बेस्ड. लेट्स ट्राई. क्योंकि आजकल मैं और मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन है. मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ पति थोड़े से लीनियंट है. ये तो मैं तो राजमा चौल बचे हुए आने बना गया खिचड़ी घर बैठी बढ़िया नहीं बचे हुए राजमा चौल आती ना मैं थोड़ा जहाँ सेल्फ रेजिंग फ्लावर पा के टिक्की बना के तो ज्यादा स्वाद बना देनी. मैं मड़े आलू भी पा देने ना तो पेस्ट खा लो सब्जी. पर यार हम लोग कुछ खा के नहीं आए तो अच्छा लग रहा. देखो अंकल के सिर पे बाल गिर गए. अगले सो बिना हेयर डाई के काम करना बहुत मुश्किल है दोस्तों. सो कॉस्को से आने के बाद मैंने किया है मेडिटेट. कोशिश होती है कि आधा घंटा मेडिटेट कर लूँ मैं. और खाया हमने मैंने आपको दिखाया था कि हमने स्प्रिंग रोल खाए और मैंने कल खिचड़ी बनाई थी वो खाई और थोड़ा सा सैलड. एंड अब हो गया है समय 5 एंड कल के लिए एंड आज डिनर के लिए मैं बनाना चाहती हूँ चने वाइट चने. ओके वाइट चने वैसे यूजली जब भी मैं बनाती हूँ सुबह सुबह बनाती हूँ. आज अजीब ही दिन है कि मैं अब बनाने वाली हूँ क्योंकि जब हम कॉस्को से आए थे मैंने इनको भिगो दिया था. अभी ये रेडी है इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे. वैसे ब्लैक चने का जो तड़का है मेरा बहुत आसान होता है. उसमें सिर्फ ग्रीन चिली टमाटर अदरक खूब सारा अदरक ऐड करती हूँ. मैं अनियन नहीं करती हूँ. अगर मुझे करना भी हो तो इसको बॉयल करते समय ही कर देती हूँ. सो टमाटर का जो तड़का है बहुत जल्दी कुक हो जाता है. सो ये चने बनाएंगे एंड अब हम करते हैं कुक. आपकी हेल्प चाहिए मुझे डिनर कुक करने के लिए मेरे साथ एंड हम साथ साथ में थोड़ी बहुत गपशप करेंगे. किचन को मैंने क्लीन कर दिया था
आज ना मैंने इसको क्लीन किया है, ये जो क्या है ये काउंटर्स के ड्रॉअर्स को बाहर से। गाइस वाइट किचन होने का सबसे बड़ा दुख ये है कि ये बहुत गंदी होती है, स्पेशली अगर आप इंडियन कुकिंग करते हैं ना, अगर आप मेरी तरह कुक करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हलवाई स्टाइल चीज़ें बनाती हूँ एंड पूरे मज़ेदार तड़के लगाती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो या वाइट किचन नहीं होनी चाहिए देसी बंदे की। बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ मैं, पीछे भी सारा वाइट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर अगर आप बहुत कुकिंग करते हैं तो आपके ये लिए ये सही नहीं है। सो मैंने सोचा है कि अगर फ्यूचर में हमारा जो घर होगा उसमें वाइट किचन अगर मुझे लेनी होगी तो मैं स्पाइस किचन लूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग स्पाइस किचन लेते हैं ताकि वो कुकिंग का प्रोसेस उस किचन में करें एंड इसको सिर्फ दिखावे के लिए रखें। वो मुझे बहुत अच्छा काम लगता है, क्योंकि दिखावे के लिए रखना कितना मज़ेदार है ना, कि पूरी चमकती रहेगी। और अब हमारे घर में अगर हम किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो मैं बहुत अच्छे पकवान बनाना चाहूँगी एंड फिर मुझे किचन को इतना स्पॉटलेस क्लीन करना होता है क्योंकि सामने गेस्ट बैठे हैं। सो अगर थोड़ा हिडन हो तो फिर आप वो चीज़ें बाद में कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग लगता है किसी को इनवाइट करना, कुक करना, उसके बाद ये सारे को मेंटेन करके रखना नॉट वेरी इजी। सो या ये है दुख भरी स्टोरी चिट्टी किचन की। आप क्या विचार हैं कि देसी बंदे की किचन वाइट होनी चाहिए या नहीं, बताना मुझे। सो सबसे पहले चने को बॉईल करने के लिए रख देते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मैजिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। सो एक और मैं चीज़ करूँगी कि मेरी किचन को थोड़ा सा मैं क्लीन करना चाहूँगी अलॉन्ग विद माय कुकिंग। सो आज मुझे बाल भी वॉश करने हैं। बालों को वॉश करना एक बड़ा हैसल है क्योंकि फिर उसको ड्राई करो, फिर स्टाइल करो, क्योंकि अदरवाइज मेरे बाल इतने पफी हो जाते हैं कि और ही कोई बंदा बन जानी है। मैं अच्छा लगता है मुझे वो भी, बट ऐसा लगता है कि मैं बहुत खिलरी हुई हूँ, जिद्दा मेरे बाल होंगे उद्दा मेरी ज़िंदगी भी खिलर जाती है। सो कहानियाँ बहुत है मेरे पास, तो इसमें चने रख लेते हैं। मैंने पास में आपको बताया होगा कि जब भी मैं कोई चीज़ भिगो के रखती हूँ ना तो उसको मैं ऐसे उठा के ऐड करना पसंद करती हूँ कुकर में, ऐसे मैं डंप नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कोई गलती से मिट्टी मुट्टी रह गई हो वॉश करने के बाद भी वो नीचे बैठ जाए। सो इतनी मेहनत से हम तड़का लगाते हैं राइट, अगर किरक आ जाए तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। एक्चुअली हिम्मत को हेल्प कर रही हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए भी। इसको करेंगे ऑन, वैसे किरक थी, पानी ऐड करेंगे। सो इसमें मैं ऐड करूँगी गुड। इसमें वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करने वाली हूँ, तेज पत्ता करेंगे ओके, एक कर देंगे वड्डी इलायची, एक अधी काली मिर्च कर देते हैं, चार पांच कर दी मैंने, दैट्स इट। पानी ओके। सो मसाले के लिए इसमें हम करेंगे ऐड नमक खूब सारा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर इसमें ओके, वेरी नाइस। सो इसमें ना मैं थोड़ा सा अनियन भी ऐड करना चाहूँगी, उबलते उबलते वो कुक भी हो जाएगा। सो उसको बड़ा बड़ा कट करके कर देते हैं, अपने आप मिक्स हो जाएगा। हिम्मी तो ऑरेंज खाता ही, नहीं बहुत सॉफ्ट है, खा ला इट्स वेरी इजी टू पील। या फिर ना इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर को तो करना ही है लेटर मुझे, तो मिक्सी में कर लेते हैं। पानी पालने से इजीली हो जाएगा। ओके
ओके, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं. लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि जब आप चने को कुक करते हैं ऐसे अनियन ऐड करने से इसमें स्मेल तो नहीं आती है. एक्चुअली नहीं आती है. मुझे भी ऐसे लगता था कि अनियन को आपको फुली कुक करना चाहिए बिकॉज चने को बॉयल होने के लिए इतना ज़्यादा समय लगेगा कि आपका अनियन बेचारा गुआच ही जाएगा. कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल अच्छा बनेगा. क्योंकि यूजली मैं जब चने की करी बनाती हूँ मैं अनियन ऐड ही नहीं करती थी, पर इस तरीके से अनियन भी आ जाता है, अनियन का फ्लेवर भी आ जाता है एंड ऑल्सो समय भी कम लगता है एंड कोई अनियन की लाइक स्मेल नहीं आएगी कि कच्चा अनियन है, पता भी नहीं चलेगा. बहुत सारे लोग ना एक ही पैन में एक ही पॉट में सारी चीज़ों को ऐड करके चने को कुक कर लेते हैं बिना ऑयल के. बहुत अच्छी बनती है करी. चिंता की कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. आप ट्राई करना, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा एंड बहुत ईजी लगेगा. सो अब इसको बॉयल होने देते हैं. सो जब तक ये बॉयल होता है मैं इस सारे एरिया को थोड़ा सा टैकल करना चाहती हूँ क्योंकि वीकेंड आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ. एंड जब ये सारा एरिया क्लीन होता है ना तो मेरा कुक करने के लिए ज़्यादा मन करता है एंड बाकी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ. अदरवाइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी एंड हैप्पी फील करती हूँ जब यहाँ पे गंद होता है. सो हिम्मत कर रहा है पढ़ाई, दैट्स वेरी नाइस एंड हैप्पी. उतनी देर में मैं इस एरिया को थोड़ा क्लीन करती हूँ. वैसे मैंने किचन को क्लीन किया था, झाड़ू फेरा था, अगर हो सके तो थोड़ा पोछा फिर देते हैं. सो हिम्मत कर रहा है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई. मिमी हाय कर दे सबनों. हाय गाइस. सो इग्नोर करेंगे हिम्मत को बिकॉज ही इज़ नथिंग बट अ लिटिल क्रेजी बैडी बैडी किड. या ही इज़ ओके काइंड ऑफ किड, जस्ट इग्नोर हिम. सो कितों शुरू करिए. ओहो तू अख च दवाई नहीं पाई हैगी. लंच बॉक्स कढ़िया तो नहीं होना, तू वेट करता रहना किसी दी कि तो आऊगा कोई लंच कढ़ दूगा. इन्ना तू सियाना है बंदा है. हाँ इनू भी इत्थे रख दो, वेरी नाइस. इनू उत्थे रख, इनू शू क्लोज़ेट च रखो, इनू हैंग करो आओ टोकरी च आओ. उस तो बाद अपना टॉय उपर रखना और पजामा उपर रखना. ओके हो ना करी चल. सो बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि ये जो सोफ़े का कवर है मैंने कहाँ से लिया. ये मेरे अमेज़ॉन के स्टोर फ्रंट पे मैंने ऑलरेडी टैग करके रखा है एंड बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि फूड प्रोसेसर मैंने कहाँ से लिया है. उसका लिंक भी वो स्टोर फ्रंट पे है लिंक्ड, अगर आप देखना चाहें. एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैं मेरे घर में यूज़ करती हूँ वो सारी वहाँ पर लिंक है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए. एंड मुझे लगता है मैंने सबको अलग अलग सेक्शंस में रखा है, किचन, होम अप्लायंसेज एंड एवरीथिंग. सो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, डोंट वरी. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं आप. वैसे ये मुझे यही कलर मिला था, अगर मुझे मिलता तो मैं सोफ़े के साथ मैचिंग लेती, पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं. मैंने इसको कई बार धो भी लिया है एंड ये वाटरप्रूफ भी है, जब पानी गिरता है एकदम से सिंक नहीं होता है, थोड़ी देर वो रहता है ऊपर ऊपर. सो अच्छा है. हमारा सोफ़ा बहुत लाइट है, इसने काफ़ी देर तक उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, जब रिमूव करें तो सोफ़ा एकदम नमा लगता है. चलो पजामा ऊपर रख के आया, टॉय भी ऊपर रख के आ, और होर कुछ ऊपर रखने वाला ला जा नाल ही. ओके एक और चीज़, बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं ये चेयर मैंने कहाँ से ली है. ये मैंने उकविल में एंटीक स्टोर से ली थी एंड बहुत लंबा समय हो गया. ये हम टोरंटो से ही कैलगरी लेके आए थे. सो हॉन मिनने लादा लबूगी आपको. पर वैसे ना मैंने कई एंटीक स्टोर्स देखे हैं, वहाँ पे हमेशा ऐसी कोई चेयर्स अवेलेबल होती ही हैं. राइट मिमी कहता हूँ तो वो राइट ही कहता है क्योंकि वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाता है. गाइस आप पौधा देखो कितना क्यूट है. लुक सच अ ब्यूटी हैप्पी क्यूरी पाई. बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने प्लांट्स की शॉपिंग नहीं की. मैं करना चाहती हूँ एंड आइकिया जाना चाहती हूँ. मे बी इस वीक या कमिंग वीक मैं आइकिया जाऊँगी क्योंकि अब समर्स हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की ऑप्शन मिलेगी. एंड आइकिया में ना प्लांट्स की प्राइसेस भी अच्छे होते हैं एंड बहुत बार आपको अच्छे ग्रो किए हुए प्लांट्स मिल जाते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है. क्योंकि जो अच्छे ग्रो हुए प्लांट्स हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है. एंड अगर आप किसी अच्छी लग्जरी नर्सरी से लेंगे
तो फिर आपको महंगा मिलेगा। महंगा है बहुत ज़्यादा महंगा। एंड मेरे जीजी ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, लंबा समय हो गया, आपको दिखाया नहीं मैंने, इस पर कितनी सारी स्टेम्स नहीं आई हैं, है ना, कितना क्यूट। हिम्मत को मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इज इट ट्रू हिम्मत? यस मम्मा। यस 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 यस। ओह नो, हूज सॉक्स आर दीस? आ सॉक आए जगह है सॉक्स दी। व्हाट डिड यू कॉल फॉर हियर? यू। ओके सो आलतू फालतू गंद इकट्ठा कर लेते हैं अब। ऑरेंज खा ला मैं भी एक। I like eating oranges. I hate eating oranges. पन्ने जो आपका किड्स ही ना, वो लोग किसी वेडिंग से डांस करते हैं, एक ग्रुप डांस करना पड़ता है, प्रिटेंड 6-7 कजन स्टार्ट डांसिंग एंड दे डांस लाइक दिस एंड स्लोली दे कम टू दिस एंड देन दे डू सर्कल सर्कल। कैन यू डू इट विद मी? राउंड राउंड भी करी जा। सो मैं और हस्बैंड चले गए थे थोड़ी सी वॉक करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे हमारे घर के पास बहुत ही प्यारी सी क्रीक है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे वॉक करना। वहाँ पे पानी भी है एंड वैली सी भी है एंड बहुत ही नेचुरल एंड सूदिंग लगता है। एंड यस, थोड़ा समय हमने वहाँ पे स्पेंड किया। मुझे लग रहा हम 1.5 घंटे के लिए गए थे, पर हिम्मत नहीं हमारे साथ आया, उसे नहीं मज़ा आता है ये बोरिंग वॉक पे। चला जाता है पर आज पार्क में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, पता नहीं क्यों, सो इसलिए वो नहीं गया। एंड उसका जो दोस्त है नेबरहुड में रहता है वो गया है US, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आउटडोर टाइम भी नहीं स्पेंड कर रहा है। सो आई थिंक वो आज वापस आने वाला है। तो या ये वीकेंड हिम्मत का अच्छा जाने वाला है उसके साथ खेलने में, क्योंकि आउटसाइड या आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड प्लेइंग आउटसाइड आउटसाइड खेलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिटिल हिम्मत, इट्स वेरी नाइस। जब हम बच्चे थे तो हम कितना आउटडोर समय स्पेंड करते थे, हमारे पास एंटरटेनमेंट का था ही नहीं कुछ भी। टीवी बोरिंग था, कोई गेम्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। या तो बुक्स पढ़ लेते थे या फिर कोई एंटरटेनमेंट वाली बुक्स, जहाँ पे मेरे पास कुछ स्टोरी वाला होता था ना, वो मैंने इतनी बार पढ़ी थी कि मुझे याद हो जाता था कि अब कौन सी लाइन आने वाली है, कि एंटरटेनमेंट ही नहीं था हमारे पास। और आजकल इतना एंटरटेनमेंट है कि एंटरटेनमेंट चूज़ करने के लिए ही इतनी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा एंटरटेनमेंट का साधन चूज़ किया जाए। सो या हिम्मत की वही प्रॉब्लम है, उसे समझ में नहीं आता है कि किस तरह अपने आप को एंटरटेन करें, क्योंकि इतना कुछ है एंटरटेन करने के लिए कि वो एंटरटेन हो के ही भी बोर हो जाता है। और हम
मक्खियाँ उड़ाते थे। जून जुलाई के महीने में कैसे होता था कि इतना बोरिंग है, सिखर दोपहर होती थी पंजाब में, इतनी ज़्यादा धूप, चूहन जानी होती थी। एंड मम्मी डिसाइड करती थी नैप लेने का, और वो नैप लेने वाला टाइम हमारा इतना बोरिंग होता था और समझ भी नहीं आता था क्या करें। मम्मी ज़बरदस्ती सुला लेती पर मम्मी सो जाएगी, तो हम दबे पैरों के साथ बाहर चले जाते थे, पसीने आ रहे कि पेड़ के नीचे जाएँ क्या करें। बहुत मुश्किल से हमारी दोपहर निकलती थी। एक से फाइव और फोर का समय सबसे ज़्यादा बोरिंग एंड क्वाइट एंड बहुत डेंजरस होता था। मैं जिस जगह से हूँ, मेरे शहर में जो हमारा मोहल्ला था, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शांति हो जाती थी, पीस हो जाता था, बहुत स्केरी हो जाता था, बाहर भी नहीं जा सकते थे, बहुत स्केरी था। सो या दिस इज एंड ऑफ स्टोरी। सो चने हो रहे हैं बॉयल। अगला पेज। सो चने हो रहे हैं बॉयल। मैंने टमाटर जिंजर एंड मिर्ची का मिक्सचर कर लिया है, ऑलमोस्ट तैयार। एंड लिटिल किड की हेल्प करनी पड़ेगी। व्हाट यू नीड? ओके, दिस इज इजी, लेट मी हेल्प यू। इज इट ओके इफ मम्मा बिकम अ गोस्ट? नो। ओके, एदे च की है द वर्ब बी? आदा ना कर। द वर्ब बी, most verbs name and action, ठीक है? Most verbs name and action, we use verbs to explain the action. The verb be is different. It tells about someone or something. So be tells about someone or something. Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a गुड बॉय। हुण आ देख, आ वर्ब बी आ, इज द एम आर, ठीक है? हुण तू इन्हां च फिक्स करने आ, कर। अगले च मैं तेरी हेल्प करूँगी। सो चने हो रहे हैं, तड़का लगाना शुरू कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज हम सिर्फ इसके साथ राइस खाएंगे, पर कल सुबह पूरी बना सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, वी कैन। सो लेट्स डू तड़की मड़की। तू ये दोनों जाने चुगलियाँ करनियाँ बंद करो गवांडियाँ बारे। सो हमारे नेबर्स ने लिया है जकूजी, दोनों सोच रहे हैं कि शॉर्ट्स पहन के जाएं और उन्होंने जकूजी में एंटर कर जाएं। उल्टे प्लान बनाते हैं प्योटे पोते। जाओ बहू, तू ही भी मीमी ना सैर कर लो मड़ी। किड्डा चलाक बंदा है ओए, मोमो ठगना। मोमो ठगनी है तू प्यारी, मोमो ठगनी। टमाटर के पटाके पैने गाइस। ओके, सो हस्बैंड कह रहे हैं कि घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। एक्चुअली पता क्या है कि जब हम चने को बॉईल करते हैं ना, उसमें अनियन डाल दो कच्चा, तो अजीब सी स्मेल आती है, नो डाउट। पर जो तड़का लगाएंगे वधिया इंडियन, तो सही हो जाना सारा कुछ। वो आई है कुछ करने लिए, कोई दसोगे कोई स्कूप शगूफा छूगी? शगूफा क्यों होता? तेरी कुकिंग सही नहीं लग रही आज। नहीं बुगिए, नहीं चंगी लगन दी। अब तू तो मार के नहीं लग रही। आज तक कभी नुक्स निकला वे? ओके, सो थोड़े खुशबूदार मसाले पा के खुशबू छोड़ दें घर में। इसमें हम थोड़ा सा चना मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले वो जीरा पाउडर निकालना पड़ेगा मुझे। यस, जीरा पाउडर। जीरे पाउडर की खूबसूरत डब्बी खोल लें गाइस। अगर आप मुझे बहुत समय से देख रहे हैं, आपको पता होगा कि मेरी जो लून दानी है, नमकदानी, नमक वाली, की कहते हैं नमक स्पाइस बॉक्स है जो, उसमें ना सिर्फ
तीन चार इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। सो आई डोंट नो, अब मेरे को मैं दिख रही हूँ बहुत रोशनी है, तो मैं थोड़ी बंद करके हुआ सो उधर से ना रोशनी आ रही बहुत ज़्यादा। सो मेरा ये जो स्पाइस बॉक्स है इसमें थोड़े से मसाले हैं, इसमें है लाल मिर्च, हल्दी, लून, जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, काली मिर्च। और मैं गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड सो किसी चीज़ में नहीं ऐड करती हूँ, मैं सिर्फ जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर ऐड करती हूँ, एंड उसी से चीज़ें बहुत स्वादिष्ट बन जाती हैं। वो मेरे हाथों की कला है, कुछ भी करो सही बनता है। ओ बच्चा बैक। सो लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा स्पाइसी बनेगा कम। खूब सारा हम डालेंगे जीरा पाउडर, बढ़िया चम्मच, धनिया पाउडर, हल्दी नहीं इसमें ऐड होगी, सॉल्ट कर देंगे, काली मिर्च भी कर देंगे, दैट्स इट। सो कल हस्बैंड ने बनाया पनीर और उन्होंने सारे खड़े मसाले करके फ्राई ग्राइंड कर ले, एंड अजीब सा लग रहा था हमें कि की हो गया है मसाले, क्योंकि हम खड़े मसाले को खड़े ही रहने देते हैं ताकि अगर आपको नहीं खाना तो आप निकाल दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी जगह हम हो जाता। सो या जीरा पाउडर धनिया पाउडर इज़ गुड इनफ। थोड़ा सा चना मसाला ऐड करेंगे अब हम, चना पाउडर इंस्टेंट मिक्स करेंगे। एंड अगर चने बॉयल ही ना हुए होंगे तो मैं इस मसाले को उसमें ऐड करके सीटियाँ बजा लूँगी एक दो, आप भी हो जुए, खोल के देखते हैं कि की बना है, की चन चढ़िया है। अभी इसी के साथ राइस बनाने शुरू कर दूँगी एंड मैं, मुझे मेडिटेट करना है 2-5-10 मिनट, हर चीज हो ही नहीं है गाइस, पर हम ऐड कर देंगे, पानी को थोड़ा कम कर लेते हैं। मसाले को ऐड करेंगे, दी मैं कड़छी चक करना, मैं वापई वाह कमाल हो गया। एंड राइस को भी अब बेसिक कुक कर लेते हैं ताकि मैं फ्री हो जाऊंगी फिर अपनी चिल लाइफ जीने के लिए। तो चाय पत्ती का पानी भी थोड़ा सा बना लेते हैं चने को काला काला करने के लिए। सो वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जो भी दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, एंड मैं इसके ऊपर ना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, मेरी जर्नी सो फार। अर्लियर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि मैंने कहा है कि मैं बिगिनर हूँ एंड मैं खुद अभी ए लेवल पे भी नहीं हूँ, पर अब मैं थोड़ा A to Z जो ABC है, बहुत लंबी जर्नी है स्पिरिचुअल जो जर्नी है, वो सदियों की जर्नी है, सदियाँ नहीं जन्मों की जर्नी है, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी का ये है कि आपने बहुत सारी रिलीजियस बातों में, गुरबाणी में या फिर जो भी हमारी पुराण है उन्होंने लिखा सुना होगा कि जब बंदा इस धरती पे आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तब वो खाली हाथ ही जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, वो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी, जितना मर्जी पैसा, जो मर्जी बना ले, बट एक चीज़ उसके साथ जाती है, वो है उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ। जो भी उसने इस जर्नी में इकट्ठा किया है, जो भी उसके पास नाम की ताकत है, जो उसने जप किया है, जो भी उसने स्पिरिचुअल भक्ति की है ना, एक भी मिनट उसका फालतू नहीं जाता है। वो जो आपके जीवन की पूंजी है, जन्मों की पूंजी टू बी स्पेसिफिक, वो उसमें जुड़ता रहता है एंड वो आप अगले बर्थ में उसको साथ में लेके जाते हैं। ऐसा मैनू पुष्टि हो चुकी है,
अभी ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये वही लोग समझेंगे जो इस चीज़ के लिए ओपन है. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आएगी. मे बी वो अभी रेडी नहीं है, और या फिर इस बर्थ में वो रेडी नहीं है, या फिर अभी वो काफ़ी दूर है इस चीज़ से. एंड जब आप ओपन हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए, तब आपको सारी चीज़ों पर यकीन आ जाता है. आपका जो पासा पलट जाता है, स्विच ऑन हो जाता है. एंड ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, पर आजकल एक मास चेंज आया है दुनिया में. जो भी जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं, मैं अपने आप को जवान नहीं बोल रही हूँ, बट मिड 20s में हैं, या फिर 20s में हैं, या अर्ली 20s में हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है. एक ट्रांजिशन चल रही है, एंड ये ट्रांजिशन का फ़ायदा उठाना चाहिए आपको भी, और जंप इन कर लेना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर से फॉलो करें. अगर आपको किसी भी गॉड पे विश्वास नहीं है, तो आप सिर्फ यूनिवर्स की ताकत पे विश्वास करें, क्योंकि एक्चुअली एंड ऑफ द डे जो भी रिलीजियस पाथ है वो सिर्फ मत है. मत मतलब उनके अपने अपने विचार हैं, एंड पर जाते सारे सेम ही जगह पे हैं. एंड ये मुझे पूरा श्योर हो चुका है कि सारे जो रिलीजन्स हैं, सारे जो मत हैं, वो एंड ऑफ द डे आपको सेम जगह पे लेके जाएंगे. सो जिस भी आप रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप श्योरली सरेंडर कर दो उसको. हिंदू है तब भी आप वहां पे जाएंगे, सिख है तब भी, मुस्लिम है तब भी, जीसस को मानते हैं तब भी, कोई भी रिलीजन है, वो सारे गॉड इतने ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपको सेम ही जगह पे लेके जा रहे हैं, बस तरीके डिफरेंट डिफरेंट हैं. सो जिस भी गॉड को विश्वास करते हैं, इट डजंट मैटर कि आप कौन से धर्म में पैदा हुए हैं, अगर आपका किसी और में विश्वास है तो उस पर विश्वास करें, एंड टोटल सरेंडर कर दें अपने गॉड को. अगर आप किसी गॉड पर यकीन नहीं करते हैं, तो फिर यूनिवर्स की पावर पे सरेंडर कर दें. पर अगर आप उस पर भी नहीं करते हैं, तो फिर ये बातें आपके लिए नहीं है. आप थोड़ा टाइम पास करें, अभी चिल करें, बाद में आपका टाइम आ जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी. सो टोटल सरेंडर कर दें, एंड किसी भी किस्म की प्रेयर करें. हर एक को पता है कि कौन सी प्रेयर करनी है. अगर आप हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं. बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत आसान से मंत्रों से शुरू करें, मंत्र जाप करें. सिख हैं तो वाहेगुरु वाहेगुरु कर सकते हैं, या कोई पाठ करें, जपजी साहब पढ़ लें, बेसिक चीज़ों से शुरू कर लें. मुस्लिम है तो आपको पता है आप नमाज पढ़ते हैं. मैनू इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप ऑलरेडी प्रेयर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सीरियसली करें एंड दिल से करें. भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, लाइक आपकी फीलिंग बहुत मैटर करती है. आप रब से झूठ नहीं बोल सकते हैं. नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं या पाठ करते हैं, पर विचार दिल नहीं करता प्यारा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है. दिल से करें, एक बार कर लें, बहुत ज़्यादा दिल से करें. सो जिस भी गॉड में विश्वास है, उनका नाम जपना शुरू करें, उनको याद करा करें, उन्हें बताएं कि आप उनको प्यार करते हैं, एंड दिल से प्यार करें. एंड आप यकीन माने, मैं आपको कैसे बताऊं कि वो आपको साइन देने शुरू कर देंगे कि वो आपको सुन रहे हैं. एंड अगर आप समवन हैं और भगवान में विश्वास करते हैं, एंड आपको भगवान साइन दे देते हैं, आपके ड्रीम में आ जाते हैं, या आपके ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो होने वाली हो, तो मुझे ज़रूर से कमेंट बार में बताना. एंड मैं रियली चाहती हूँ कि जो भी दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर से शुरू करें, ताकि इस जन्म का थोड़ा सा फ़ायदा ले पाए हम. बेशक हमारी कलेक्शन में, हमारी पूंजी में हम 5-10% की साधना को ऐड कर पाएँ, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अपनी चीज़ें आपको फ्यूचर में बताऊँगी. सो यहाँ पे मैं ये आके बताना चाहती थी कि किससे भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी में जंप इन कर लें. एक्चुअली जो बात मैं बताना चाहती थी वो है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, पर आपको इंटरेस्ट बहुत है एंड आप जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या चमत्कारी दुनिया है ये, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऑटोबायोग्राफी बाय योगी ज़रूर से पढ़ें. अगर आपका कुछ भी लेना देना है स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो आपकी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी एंड आपका जो ब्रेन है ओपन हो जाएगा, एंड आपको इस फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. आप रेडी हो जाएंगे एंड आप सारी चीज़ों में यकीन करना शुरू कर देंगे, एंड एकदम क्लिक ऑन हो जाएगा कि वाओ सच्ची ऐसा है. वो बुक थोड़ी स्लो है, पर उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है. जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस समय के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में, गुरु के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, साधना के बारे में, मंत्र जाप, एवरीथिंग, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है. एक बार वो पढ़े, अगर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है
तो आप जरूर से अवेकन हो जाएंगे उस किताब को पढ़ने के बाद, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। एंड दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं या नहीं, एंड अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप प्रेयर करते हैं तो अपने इष्ट को, जिसको भी आप विश्वास करते हैं या यूनिवर्स को, उनको कहें कि आप अगर रेडी हैं इस बात के लिए तो प्लीज मुझे मेरे गुरु के साथ मिला दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु मैजिकली अपेयर हो जाएंगे अगर आप इस बात के लिए रेडी हैं। अगर आप रेडी नहीं हैं तो थोड़ा समय लगेगा आपको रेडी होने के लिए, आप और साधना करें एंड गुरु आपकी जिंदगी में तब आ जाएंगे जब आप रेडी होंगे। आई डोंट नो आप इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, पर मैनू जो इन्फॉर्मेशन मिली है या जो मैनू मजा आया है या मैनू जो सच्चाई दिखी है, वो मैं चाहती हूँ कि आपको भी फील हो। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो अपलोड की थी तो मुझे कितने सारे मैसेज आए थे, एंड कई लोग तो इतनी एडवांस स्टेज पे है मेडिटेशन की, गद गद हो उठी मैं कि ओह माय गॉड कि दिस इज़ सो गुड, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं एंड उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड मे बी उन्होंने पास में बहुत अच्छा साधना करके रखी है कि वो एकदम जब भी उनकी अलाइनमेंट हुई है और वो बहुत अच्छी स्टेज पे हैं। सो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत मज़ेदार कोई अनुभव हो रहे हैं, यस गाइस, अगर आप मेडिटेशन करते हैं वो सिर्फ आपको सूद नहीं करती, उसके साथ आपको बहुत ही अमेजिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी होते हैं। सो अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से मैसेज करना। गाइस रब के साथ ज़रूर से जुड़े, रब के साथ या अध्यात्म के साथ। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड मैं आपको मिलती हूँ नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए एंड बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जैसे भी आप हैं। अगर आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक थॉट को क्रिएट करना है एंड उस पर एक्शन लेना है, दैट्स इट। इजी है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय।